के लिए आज उत्तर प्रदेश में बड़ा दिन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाए, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सर, अखिलेश यादव जी ने तमाम बातें कही कि बीजेपी और पिछड़ा विरोधी है, आरक्षण के खिलाफ है, क्या कहिएगा उन बातों को लेकर? देखिए, जो बात उन्होंने कही है, स्थानीय निकाय चुनाव में सरकार ने भी अपना पक्ष सामने उजागर किया, सभी लोगों ने अपनी बात रखी कि ये तो क्लियर हो गया कि पिछड़ों के आरक्षण निकाय चुनाव में पूर्णतः लागू नहीं है, ये क्लियर हो गया। अब उसको लेकर के अखिलेश जी भी मुखर हैं, आज उनको चेतना आई है कि पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा। जब इनकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने किया था। उस समय इनको इनकी सुध नहीं आई। जब 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि 27% आरक्षण का लाभ 12 जातियां उठा रही हैं, इस 27% आरक्षण को बांट करके सबको लाभ दिया जाए, सभी जातियों को, उस समय तो याद नहीं आए। आज चिंता आ रही है कि बीजेपी धोखा दे रही है। आपने क्या किया? आप भी तो वही किए हो जो बीजेपी कर रही है, वही बसपा किया, वही कांग्रेस किया। ये 38% आबादी वाला अति पिछड़ा, ये हेल कमारल बेल, कभी इधर जा रहा तो यहाँ मिलेगा, कभी उधर जा रहा तो यहाँ मिलेगा, कभी उधर जा रहा है यहाँ मिलेगा, और कहीं मिल नहीं रहा है। 1953 से काका कालेलकर आयोग गठित हुआ हिस्सा देने के लिए, फिर उसके बाद गठित होता मंडल आयोग, फिर उसके बाद राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी, फिर हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में कमेटी, रोहिणी आयोग का गठन होता है, कमेटी पे कमेटी गठित हो रही है। कमेटियों की बात आप कर रहे हैं, पिछड़ी राजनीति के मजबूत पिलर आप भी हैं, पर सवाल आज के दिन के सरकार से नहीं करना चाहिए? पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, लगातार हम इंटरव्यूज आपके देख रहे हैं, सरकार की बजाय अखिलेश यादव को घेरना लॉजिकल लगता है क्या? सवाल आपने अखिलेश का शुरू किया था, सवाल आपने अखिलेश से शुरू किया, क्या लगता है आपको? हम तो सरकार का सवाल आगे आपने किया ना। जी जी, जो उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है सरकार ने, तो सरकार ने ही पिछली सरकार में सामाजिक न्याय समिति राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में बनाई थी। 7, 9, 11 की रिपोर्ट तैयार है, उसका भी आयोग को दे दे, परीक्षण करा ले, उसको उनको दे दे, परीक्षण कर ले, और उस रिपोर्ट को भी सरकार लागू करे। कौन पिछड़ा ज्यादा हितैषी है, बीजेपी है कि सपा है? दोनों अपने अपने दावे कर रही है, दोनों एक दूसरे को पिछड़ा विरोधी बता रही है, आपस में तर्क वितर्क कर रही है, आप तो दोनों नावों पर सवार रह चुके हैं, ऐसा पिछड़ा विरोधी कौन है आपके हिसाब से? देखिए, सच पूछा जाए कि पिछड़ा का हितैषी कोई नहीं है, ये पिछड़ा नौवे है, ये पीछे पीछे चलते हैं। 40 साल कांग्रेस के पीछे रहे, 19 साल सपा बसपा के पीछे साल रहे, अब बीजेपी के पीछे पीछे कुछ भाग रहे हैं, कुछ इधर उधर भाग रहे हैं, ये पीछे में चलते हैं। आगे चलते तो 52% आबादी है, सरकार में रहते, सरकार बनाते, भीख काहे को मांगते? अच्छा, सपा अपना तरीका बता रही है कि पिछड़ों के बीच आवाज जाके उठाएंगे, आप भी कुछ करेंगे क्या पिछड़ी? क्योंकि पूरा माहौल रिजर्वेशन को लेकर है, आप संविधान को लेकर बार बार आवाज उठाते रहते हैं, क्या जमीन पर आप भी उतरेंगे कि फेल हो गई है सरकार ऐसा कुछ करके? ये लोग जाएंगे, हम जा चुके, एक महीना लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में सावधान रथ यात्रा निकाला था, उसके पीछे यही आरक्षण था, यही था। अभी 18 दिसंबर से महिला हक अधिकार महारैली के नाम से 18 मंडल में, 18 दिसंबर को आजमगढ़ मंडल के मऊ में किया, फैजाबाद मंडल के सुल्तानपुर में 27 दिसंबर को किया, उनको भी जगा रहा हूँ कि 50% लोकसभा विधानसभा में सीटें आरक्षित हों, नौकरियों में सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, 50% नौकरियों में आरक्षण प्राइवेट और सरकारी में महिलाओं के लिए आरक्षित हो, प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी, 50% सीटें महिलाओं को पढ़ने के लिए आरक्षित हो, ये आवाज हम शुरू किए। ये लोग अभी टीवी पे बोल रहे हैं, वहाँ धरातल पे हैं।